हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनमोल यादव सर फिर आप लोगों के लिए ग्रामर का बैच लेके आया हूँ। तो ग्रामर में मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, जिसमें से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको लास्ट में एक रूल बताया था कि दिस इज प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद यदि कोई भी क्लाउज आए तो वह क्लाउज हर हाल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, कभी भी किसी दूसरे टेंस में नहीं होता है। अब आगे का आपको मैं बता रहा हूँ क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही रूल चल रहा है अभी, तो इसी में एक पढ़ना है रूल हमको सिंस का, यूज ऑफ सिंस। बहुत ही मोस्ट वीवीआई रूल है ये, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो सिंस का यूज क्या है, यदि किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में सिंस का यूज किया गया हो, तो ध्यान देना है दोस्तों कि सिंस के द्वारा यहाँ पर दो प्रकार का क्लाउज जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो सिंस है वो टाइम का बोध करा रहा है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम इसको बोलते हैं हम। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही एक प्रकार है जिसमें यह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम जो समय को बताता है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में सिंस का यूज कंजंक्शन के रूप में किया गया हो, कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में, तो सिंस के द्वारा हमेशा दो प्रकार का क्लाउज जुड़ा होता है। व्हाट इज क्लाउज, पिछले क्लास में ही मैंने बताया था कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। दो किसी भी एक सेंटेंस को दो या तीन टुकड़ों में बांट दें, यदि उसका प्रत्येक टुकड़ा क्लाउज तभी कहलाएगा जब उसके प्रत्येक टुकड़े में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, ठीक है। तो हम बता रहे हैं क्या, किसी भी सेंटेंस में यदि सिंस लगा हो तो इनके द्वारा हमेशा दो प्रकार का क्लाउज जुड़ा होता है, जिसमें सिंस के तुरंत बाद का सटा हुआ जो क्लाउज है वो हमेशा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में होता है, जिसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जबकि इसी से सटा दूसरा क्लाउज जो सिंस के पहले का क्लाउज है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। यानी इसका स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि इसको घुमा के भी देता है, क्या करता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सेंटेंस के शुरू में कर देगा, सॉरी सिंस का यूज सेंटेंस के शुरू में कर देगा और उसके बाद करता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। अब उसके बाद चला जाएगा हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां देखना है क्या कि सिंस का यूज सेंटेंस के बीच में हुआ रहे या सेंटेंस के शुरू में हुआ रहे, इसके तुरंत बाद का जो सटा हुआ क्लाउज है वो हर हाल में पास्ट इन डेफिनिटी होगा। अब बच गया हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको हम सिंस के पहले रख दें या सेंटेंस के लास्ट में रख दें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं हम क्या कि शी हैज चेंज्ड हरसेल्फ सिंस शी had joined this company। क्या हम बोले, she has changed herself, वह अपने आप को बदल ली है, since जब से she had joined this company, जब से उसने इस कंपनी को ज्वाइन की। यहां इसको हम देखिए, यहां से यहां तक ए पार्ट हुआ, ये हमारा बी पार्ट हुआ, यहां से यहां तक सी पार्ट हुआ और ये नो एरर डी पार्ट हुआ। आपको आंसर बताना है कि आपका आंसर यहां पर क्या होगा, है ना। तो आंसर आपका क्या होगा, जो देखिए सभी लोग कि यहां सी हैज चेंज हरसेल्फ, पहले तो देखिए यहां पर सिंस लगा हुआ है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट ऑलरेडी है, लेकिन सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है बल्कि पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि हैड का यूज किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में। अब यहां से हैड को हटा देंगे, ज्वाइन का V2 और V3 दोनों सेम होता है, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, है ना। तो यहां पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहां से हैड को रिमूव कर देंगे।
इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देते हैं आपको हम कि 10 इयर्स हैव पास्ड सिंस यू कम हेयर, 10 वर्ष बीत चुके हैं जब से तुम यहां आए हो। यहां से यहां ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी, और लास्ट में नो इरेटी। तो देखना है कि आपका आंसर क्या होगा। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। तो आंसर आपका होगा यहां भी सी। क्यों? क्योंकि सिंस के पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंस के बाद जो है कम दे दिया है, और कम का यूज सिंपल प्रेजेंट में होता है। यहां कम का V2 होता है केम, CAME। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। तो हम क्या बोले, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखना क्या है कि कभी कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है ये देखो, क्योंकि कहां से पूछता है और वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, हम नीचे वाला जो एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है उसको हम एक तरीके से और भी बना सकते हैं। उसका क्या तरीका है जो समझना है। यहां पर तरीका उसका ये है कि चूंकि देखिए ऐसे वाक्यों में सिंस के पहले यदि किसी प्रकार का समय सूचक शब्द हो, क्या हो, समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द मतलब क्या, एक ऐसा शब्द जो समय को टाइम को बतलाता हो, जैसे यहां 10 इयर्स हो गया, 2 डेज हो गया, 2 आवर्स हो गया, 5 इयर्स हो गया, ये सब क्या है, समय सूचक शब्द है। तो उस स्थिति में इसका एक स्ट्रक्चर और भी होता है। क्या होता है कि इट इज प्लस टाइम एक्सप्रेशंस, उसके बाद होता है सीन्स, और उसके बाद होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। यानी कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्थान पर केवल यूज कर देना है क्या कि इट इज प्लस टाइम एक्सप्रेशंस, लेकिन जिसमें टाइम एक्सप्रेशंस ना हो, जिसमें टाइम एक्सप्रेशंस नहीं दिए हो, वैसे वाक्यों में ठीक है यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है, वहां पर नहीं करना है। जैसे यहां 10 इयर्स दिया है, इसी को यदि इस पे हम बनाना चाहे तो हो जाएगा क्या, इट इज 10 इयर्स सिंस यू केम हियर। ठीक है, यानी ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। अब देखो कि एक तरीके से और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है पहले, उसी को मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं। क्या यदि इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं कैसे कि इट इज 10 इयर्स सिंस यू डिड नॉट कम हियर। तो यहां पर देखिए बहुत बड़ा रहस्य है, सेंटेंस देखने में कहीं से गलत नहीं लगेगा आपको, क्योंकि देखिए इसको यदि हम 3 पार्ट में बांटते हैं तो भी हमारा सेंटेंस सही ही लगेगा। क्यों? क्योंकि सिंस के पहले ऑलरेडी इट इज 10 इयर्स इट इज प्लस टाइम एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो डिड नॉट का यूज पास्ट इंडेफिनिट में नो डाउट होता है, लेकिन फिर भी यह सेंटेंस हमारा सही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान दे रहा है क्या, ऐसे वाक्यों में सिंस के बाद का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना तो नेगेटिव होता है ना ही इंटरोगेटिव होता है, जब भी होता है तो वो पॉजिटिव होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर डिड नॉट कम हेयर नहीं होगा बल्कि सीधा सीधी यू केम हेयर होगा। समझ में आई बात ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताया लास्ट में कि ऐसे वाक्यों में सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कभी भी
कोई नेगेटिव या इंटरोगेटिव क्लाउज नहीं होता है बल्कि केवल पॉजिटिव क्लाउज होता है। ठीक है, अब इसी में एक टाइप और बता देते हैं आपको। कभी कभी क्या करता है ना कि सेंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी लगा देता है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपका, वो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट के ऐसे वाक्यों में सेंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी लगा दें तो वो भी सेंटेंस गलत नहीं है, वो भी सही है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये भी स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इस प्रकार से आपका सिंस का यूज खत्म हुआ। अब अगला यूज बताते हैं, है ना, अगला यूज है एडवर्ब ऑफ टाइम का। देखिए अगला यूज क्या है कि किस एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में क्या कि किसी भी प्रकार का हाँ एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में ऑलरेडी जस्ट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ड्यूरिंग द फ्यू मंथ ईयर डे, ठीक है, मंथ्स ईयर्स डेज आवर्स इटीसी, उसी में आता है आपका लाइटली, इसी में आता है आपका रिसेंटली। तो ये सारे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, और आपको मालूम है कि किसी भी प्रकार के एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज सेंटेंस में या तो शुरू में होता है या तो सेंटेंस के लास्ट में, कभी भी सेंटेंस के बीच में किसी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज नहीं किया जाता है। तो आपको बता रहे हैं क्या कि इन सारे एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में हुआ रहे तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही जाएगा, कभी भी किसी दूसरे टेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल, पहले इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए, he says to me that I visited the Taj Mahal during the few months. वह बोलता है कि मैंने ताजमहल देखने गया कुछ महीनों के दौरान पहले। ठीक है, तो यदि इसको हम तीन पार्ट में बांट दें, ए बी सी और लास्ट में मोहिर, तो यहाँ चूंकि लग गया क्या ड्यूरिंग द फ्यू मंथ्स, तो उस स्थिति में यह सेंटेंस से सटा हुआ जो क्लाउज है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो इससे सटा हुआ क्लाउज ही सेस टू मी तो है नहीं, क्योंकि दैट ये कंजंक्शन है, इधर का अलग क्लाउज इधर का अलग क्लाउज, तो आई विजिटेड नहीं होगा बल्कि होगा यहाँ पर क्या आई हैव विजिटेड। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको क्या कि they have
सेम दिस मूवी लाइटली, या यहां यही दे सकते हैं रिसेंटली, ठीक है। तो भी ये सेंटेंस बताइए, यदि इसको हम तीन पार्ट में बांट दिए, ए बी सी और यहां पर लास्ट में नोइरर है, तो यहां पर आंसर आपका नोइरर ही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लाइटली और रिसेंटली दोनों में से कोई भी एक लग सकता है, लगा हुआ है और सेंटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में है। यदि हम कहते हैं क्या कि आई हैव, आई सा दिस मूवी लाइटली, सॉरी यहां रिसेंट भी दे देते हैं रिसेंटली, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, ये मोस्ट ट्रिवियल है क्योंकि इसी में लोग फंसते हैं, ठीक है। क्या कि आई सा दिस मूवी रिसेंटली, अभी मैंने आपको क्या बताया कि रिसेंटली का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रिसेंटली और लैटली इन दोनों का यूज नो डाउट प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिसेंटली का यूज पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है। तो ध्यान क्या देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसमें लैटली रिसेंटली दोनों लगेगा, लेकिन जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो वैसे वाक्यों में केवल रिसेंटली का यूज होता है, लैटली का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है। इज दैट क्लियर? हमने क्या बोला कि लैटली और रिसेंटली दोनों का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, लेकिन यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो तो ऐसे वाक्यों में केवल रिसेंटली का ही यूज किया जाता है, वहां पर लैटली का यूज नहीं होता है। क्लियर? चलिए इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब आते हैं यूज ऑफ हैव, ठीक है, यूज ऑफ हैव। यूज ऑफ हैव का यूज देखिए क्या है कि हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों होता है, क्योंकि देखिए कि हैव का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ रहे तो वह हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है, लेकिन जब हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ रहे तो जरूरी नहीं है कि उसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में ही हो। जैसे यहां पर समझना है क्या कि हम कहते हैं खाने की जितनी भी क्रियाएं, सबसे पहले देखिए कि हैव इसका यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ रहे तो वह सेंटेंस हर हाल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, लेकिन जब हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ रहे मेन वर्ब के रूप में तो उस स्थिति में यह किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, और यहां पर भी इसका वी टू होगा हैड, वी थ्री होगा हैड, वी फोर होगा हैविंग और वी फाइव होगा हैज, ठीक है। तो यहां पर देखना क्या है, हैव हैड हैड हैविंग और हैज, तो यहां पर देखना क्या है आपको कि हैव के जैसा ही एक और वर्ड होता है टेक, जो कि दोनों का एक जैसा यूज होता है, तो टेक का यहां पर होता है क्या, वी टू होता है टुक, वी थ्री होता है टेकन, वी फोर होता है टेकिंग और वी फाइव होता है टेक्स, ठीक है। तो यहां पर देखना क्या है कि हम यहां पर हैव और टेक क्यों बता रहे हैं ऐसे, देखिए यदि मेन वर्ब के रूप में हैव का यूज किसी भी सेंटेंस में किया गया हो तो वह खाने और पीने का यूज के भाव में होता है, मतलब खाने की जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे होता है डिनर, खाने की क्रियाएं क्या क्या होती हैं, डिनर, सपर, लंच,
ब्रेकफास्ट, डिनर, सफर, लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, है ना, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पर खाने की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं के लिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कभी भी इट का यूज नहीं होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से पीने की जितनी क्रियाएं हैं तो पीने की क्रियाएं क्या होती है, जैसे होता है कॉफी, टी, मेडिसिन, मिल, इटीसी। तो इन सभी क्रियाओं के लिए कभी भी हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं। तो इन दोनों क्रियाओं के लिए यूज किसका होता है, तो इन दोनों क्रियाओं के लिए यूज होता है या तो हैव का और या तो टेक का, चाहे वो किसी भी टेंस में यूज क्यों ना हो, ठीक है। क्या बोले, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कभी भी खाने की क्रियाएं जैसे डिनर, सफर, लंच और ब्रेकफास्ट, इन सभी के लिए इट का यूज नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार पीने की जितनी भी क्रियाएं हैं जैसे कॉफी, टी, मेडिसिन, इन सारे चीजों के लिए कभी भी ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं। इन दोनों क्रियाओं के लिए कॉमन रूप से हमेशा यूज किया जाता है किसका, या तो हैव का और या तो टेक का, ठीक है। ये उतार लीजिए पहले आप। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें एग्जांपल देकर हम क्लियर बात करेंगे कैसे होता है। जैसे हम कहते हैं क्या कि मैं सुबह का नाश्ता कर चुका हूं, ठीक है। तो चुका हूं लगा यहां पर, तो चुका हूं लगा तो सेंटेंस नो डाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा, है ना। उसी प्रकार से हम कहेंगे कि मैं सुबह का नाश्ता कर चुका था, तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट टेंस में, है ना। प्रेजेंट वो था प्रेजेंट परफेक्ट में और ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए यहां समझना है क्या, हम कहते हैं क्या मैं सुबह का नाश्ता कर चुका हूं, तो होगा क्या, आई हैव। अब या तो हैड दे दो या तो टेकन दे दो, चूंकि यहां पर हैव का भी हैड, टेक का भी टेकन, और उसके बाद सुबह का नाश्ता के लिए यूज होता है क्या, ब्रेकफास्ट। अब इसी को यदि हम पास्ट एक्शन में बनाए तो क्या होगा, आई हैव। अब उसके बाद सॉरी हैड नहीं, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड हो जाता है, मैं सुबह का नाश्ता कर चुका था। तो यहां पर देखो समझना है, एक हैड ये हो गया और एक और हैड से ही बनाते हैं तो उसके बाद होता है हमारा क्या, ब्रेकफास्ट। अब यहां पर समझना है आपको कि यहां पर दो जो हैड आया तो बहुत सारे लोग इसको गलत मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ एक हैड जो है ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है और दूसरा हैड जो है ये हमारा मेन वर्ब है, तो किसका है, हैव का। इज दैट क्लियर। तो आई हैड हैड ब्रेकफास्ट, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी के साथ मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर दिया है। अब आगे का क्लास में चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर चलेगा पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, है ना, जो भी पास्ट का वो चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वे मेरे सारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और ताकि इसी तरीके से मैं आपको अपना वीडियो बार बार देते रहूँ। ओके, थैंक यू, बढ़िया।